Alright, those of you that are here will watch the entire video. But sir, what if the video is boring? Silence, those who don't watch the entire video. You are gay. Did he just say the G word? What I was trying to say was... Even those who speak. Hey, take a look at some upcoming footage. करीब आया ना इसे ईंट मारेंगे। Okay, now that we've established the rules, let's start. तो हम लोग आ गए हैं हदानो सिटी एंड वी आर गोना हाइक तंजावा माउंटेन। अभी मेरे पीछे माउंटेन्स बड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। कंसिडर दिस द मार्गला हिल्स ऑफ जापान। ये तकरीबन उतनी हाइट है लेकिन ऊपर से व्यू बहुत खूबसूरत नजर आता है। तो आज हाइकिंग के लिए हम लोगों के साथ मौजूद है यहाँ पे अली Yo. और हमारे साथ मौजूद है एक और अली। Let's start the hike. We're going at the highest peak. ये जो mountainous range है ना, इसकी सबसे highest peak पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये हम लोग थोड़े rural किस्म के area में हैं इस वक्त hiking करने के लिए। और ये इनके खेत टाइप बनाया हुआ है, घरों के साथ फसलें वगैरह लगाई हुई हैं इधर। हम लोगों ने अभी ट्रैकिंग स्टार्ट ही की है बिल्कुल। एंड लुक एट द ट्रैक, कितना खूबसूरत ट्रैक है। तो हम लोग वहाँ नीचे से आए हैं और तकरीबन 6.4 किलोमीटर का ट्रैक अभी रहता है। इसी तरह का नहीं रहेगा, बदलेगा आगे जाके ट्रैक। ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्टिंग एरिया किस्म का बनाया हुआ है। हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। लेवल आने के, क्या व्यू है ऊपर से, मतलब इस तरह का हमें व्यू, इस तरह का व्यू नज़र आएगा। और आज डे बहुत ही क्लियर है तो फ्यूजी हिल भी ऊपर से नज़र आएगा। बाकी ये ट्रेल बहुत ही खूबसूरत है, ये आप ट्रीज वगैरह देखें, फॉयलेज। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे, ठीक है। आखिरी 1.5 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा स्टीप था तो वी टुक अ बिट ऑफ रेस्ट हियर। यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। एंड वी आर गोना कंटिन्यू आवर जर्नी। दोनों धाके माउंटेन, तंजावा माउंटेन ही था। यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत है, अच्छा व्यू है यार। लुक एट दैट व्यू, चमक रहा है सारा। जो आखिर का 1.5 किलोमीटर है ना, वो इस तरह बहुत स्टीप है। तो थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं हम लोग इधर और फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। वी आर वेरी क्लोज टू द टॉप। देखो इसमें घंटियाँ लगाई हुई हैं बैग पे, बहुत प्यारी आवाज़ आती है। ऐसा ट्रेल पे पता चलता है कि आगे पीछे बंदे गुजर रहे हैं। कभी घूमे हो ना ट्रेल पे तो इस तरह आवाज़ आ जाती है। सब ने यहाँ पे पहनी हुई है अपनी घंटियाँ। और मतलब है, मकसद है, इसको कहते हैं पोलाइट तरीके से आगे हटो, हम आ रहे हैं। हाँ, वो बोल तो नहीं ना, पोलाइट हैं लोग। नाइस, तो इसीलिए एक इंडिकेशन ये भी है कि रास्ते से हटो भाई, आगे जाना है। द मोर यू नो, अब ज़्यादा रास्ता नहीं रह गया और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने का आइडिया बना हुआ है। ये शॉप भी है, इधर लोग बैठ के खा पी भी रहे हैं और फन एक्टिविटीज़ भी, यहाँ पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पे बना सकते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह भी बनी हुई है, यहाँ पे खिलौने वगैरह रखे हुए हैं, पिकाचू भी लगी हुई है। मैंने इधर रखा था, मुझे लगा बैठने लगे। मैंने यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा है पहाड़ का। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो नाउ। ये आप देख सकते हैं कितना स्टीप है ट्रैक आगे भी, लेकिन वी आर गोना गो टू द टॉप और वहाँ से व्यू देखते हैं। वी आर वे अप ऑन आवर ट्रैक और काफ़ी नीचे से लोग ऊपर आ रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है फ्यूजी का। एंड एट लास्ट वी कैन सी द पीक एज वेल। उस पीक के टॉप पे जाने हमने। तो गाइस, वी आर फाइनली एट द टॉप ऑफ माउंट तंजावा और आसपास आप देख सकते हैं ये इस सारी माउंटेनियस रेंज में हाईएस्ट पीक है। तो इस माउंटेन से ऊंची कोई माउंटेन नहीं आसपास। और इसके एक तरफ फ्यूजी हिल का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्लाउड से कवर्ड है। इन बादलों के बिल्कुल पीछे माउंट फ्यूजी है।
और इसके दूसरी तरफ टोक्यो सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आ रहा है यहाँ से। एंड इफ दैट वाज नॉट ब्यूटीफुल इनफ, इस माउंटेन के तीसरी तरफ आपको समंदर नजर आएगा, उस तरफ भी बहुत खूबसूरत है। लुक एट दिस स्काई, कितना एंजॉय कर रहे हैं। सामने ओशन का व्यू कितना जबरदस्त है। एंड बी श्योर टू ब्रिंग योर ओन फूड टू, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा महंगा सीन हो जाता है और हाइक भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और रास्ते में रुक के काफ़ी खाने पीने की जगह भी है, तो जगह पे ना रास्ते में जहाँ पे आप थक जाएं आप रुक के खा भी सकते हैं। लोग बैठे हुए इधर अभी ऊपर टॉप पे, हम लोगों को ये ट्रैक कंप्लीट करने में तकरीबन 2 घंटा 40 मिनट लगे हैं, और ये मार्गला वगैरह के एवरेज ट्रैक से थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ट्रैकिंग के दौरान बहुत गर्मी लग रही थी, सारी जैकेट और जर्सियाँ वगैरह उतार के इवन टी शर्ट में भी ट्रैकिंग कर रहे थे, लेकिन ऊपर आके जो हवा चली है ना एक दफ़ा सही ठंड हो गई है। ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है, वैसे दस्ताने शस्ताने जैकेट सब कुछ ऊपर आ गई हैं। मैं फूजी देखने आया था, बादल आ गए, अजीब सारा प्लान बिछो। करीब आया ना इसे ईंट मारेंगे। पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिए, एन आवर हेडिंग डाउन, तो नीचे जाते हैं और नीचे आते थे टाइम भी मेजर करते हैं कि कितने टाइम में नीचे पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है 2 घंटे 40 मिनट में पहुंचेंगे नीचे। नहीं, 1.5 घंटे में हम नीचे होंगे। नहीं, 2 घंटे एटलीस्ट, लिख के ले लो। ओके, लेट्स सी। विल पावर यार मेरी नहीं है यार, इस ब्रदर की विल पावर देखो जरा। मुझे क्यों नहीं बताया, विल पावर की तारीफ कर रहा क्या? यार ये बहुत ही ओल्ड बंदा है। हम लोग नीचे आ गए हैं फाइनली, और टाइम है 2 घंटे 23 मिनट लगे हैं नीचे आने में। नीचे आने में वैसे टाइम क्या कहते हैं जहन में बहुत ज़्यादा लगा है कम्पेयर टू ऊपर जाना है ना। ऊपर तो बस पहुंच गए थे किसी तरह से, डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा था ट्रैक, लेकिन पहुंच गए थे किसी तरह से। जी जी, हम आते जा रहे थे लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा रह रहा था, बहुत टाइम लग रहा है। क्या लंबी चौड़ी बातें करते रहे हैं, दुनिया के सारे मसले हम लोगों ने सोल्व कर लिए नीचे आते आते, अब आके फाइनली पहुँचे हैं नीचे। फुटबॉल नीचे गिर गया है और अली रजा लेने गया हुआ है नीचे। हाइकिंग स्किल्स हैं बॉय की। ये इतनी स्टीप जगह है, मतलब कि ये ट्रैक है एक्चुअल, और यहाँ से नीचे गया है। लेट्स गो यार, आ जा ध्यान से आई।